अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई आपकी जान एम एस शहजाद आज एक फिर मोबाइल मार्केट में आ गया है। और यहाँ पर हम भाई की दुकान पर आए हुए हैं और भाई जान हमें बताएंगे कि सस्ते से सस्ता मोबाइल भी बताएंगे और महंगे से महंगा मोबाइल भी दिखाएंगे जो इनकी शॉप में अवेलेबल है। तो चलते हैं वीडियो की। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई जान, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम लोकमान हकीम है, हम दुबई प्लाजे में काम कर रहे हैं बहुत अरसे से। अच्छा, अब बस इधर बैठा हुआ है, बस रेट शर्ट इंशाल्लाह कम भी है और हमारे पास ज़्यादा भी है, मतलब कम प्राइस वाला भी है ज़्यादा प्राइस वाला है। रैम रूम में भी फ़र्क होता है, जीबी में भी फ़र्क होता है। पहले जो है ना रेट बहुत तेज था, अभी माशाल्लाह रेट बहुत कम आ गया, रेट बहुत नीचे आ गया। तो कस्टमर के लिए रिक्वेस्ट है कि आप आइए और विजिट करें दुबई प्लाजे में, रेट इंशाल्लाह आपको बहुत सही मिलेगा। तो कोई मोबाइल निकालें, कोई सस्ता सा मोबाइल और बताएं उसके बारे में, कितने जीबी है वो और क्या उसकी बैटरी है। कोई भी मोबाइल निकाल लें, कोई सस्ता वाला। सस्ता वाला तो हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन, ये पड़ा हुआ है, ये वाला है, ये 32 है, ये तकरीबन मिल जाता है 18, 16, 17 तक भी मिल जाते हैं। इससे कम प्राइस वाला भी पड़ा हुआ है, ये आईटेल है। जी जी, ये आईटेल है। अच्छा, अब इससे कम वाला कौन सा है? इससे कम वाला भी और पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 12 तक भी पड़ा हुआ है, कम प्राइस वाला, मतलब 10-12 तक 2 GB रैम हो उसका, 32 GB में रूम हो। ये भी आइटल में? हाँ, ये भी आइटल में। बकाया टेक्नो में भी पड़ा हुआ है, 15-18 तक पड़ा हुआ है तकरीबन। टेक्नो वाला उतारे हैं जरा, टेक्नो वाला ये वाला है, ये तकरीबन 32 से पहले रेट बहुत ज्यादा था, अभी रेट तो कम हो गया, मतलब इसका पहले तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये रेट था। अच्छा, अभी तो रेट क्यों कम हो गया पाकिस्तान में? मेरा रेट यार, रेट पहले से तो रेट बिल्कुल सही था, लेकिन एकदम से यार ऊपर बढ़ गया था, तकरीबन 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एक एक सीट ऊपर बढ़ गया था। तो जो जो 60-70 हज़ार वाला मोबाइल है वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये रेट कम नीचे आए, नीचे आए। तो इसके अलावा अभी रेंज थोड़ी बढ़ाते हैं और थोड़ा ऊपर वाला फोन दिखाएं जरा, 20 हज़ार से ऊपर वाला कोई दिखाएं फोन, 25 हज़ार से ऊपर वाला। 25 हज़ार वाला फिर पड़ा हुआ है यार, ये सारी मॉडल पड़ा हुआ है, ये वाला है, ये ऑक्टल वाला है, और दूसरा इंफिनिक्स भी है, ये हॉट 11 प्ले, इसके भी 30-35 हज़ार रुपये रेट है तकरीबन, ये भी 25-26 हज़ार रुपये। और क्या इसके स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी? 64 है। सही, 464। बैटरी कितनी है इसकी? बैटरी इसका 6000 mAh बैटरी है और 464 है, और रेट भी बहुत, मतलब पहले रेट बहुत तेज था ना, अभी रेट बहुत नीचे है। तो कोई सैमसंग का फोन निकाल कर दिखाएं उसके बारे में। सैमसंग का, सैमसंग में पड़ा हुआ है तकरीबन ये पड़ा हुआ है, ये A21 ऐसे, ये बिल्कुल फ्रेश फोन है, ये भी 464 है, 6128 में भी मिल जाते हैं, इसमें तकरीबन 30,000-28,000। और क्या बैटरी होती है इसकी? इसके भी 6000 बैटरी है, मैच है। बहुत जबरदस्त चीज है। डुअल सिम होती है ये, नैनो सिम है? डुअल सिम है, डुअल सिम। आप कोई और फोन दिखा दे सैमसंग का। सैमसंग में फिर और पड़ा हुआ है, सैमसंग में ये कम प्राइस वाला पड़ा हुआ है, तो ये वाला है, एसेट प्लस वाला है। ये कौन सा? ये एसेट प्लस है। एसेट प्लस है? हाँ, ये एसेट प्लस है, ये तकरीबन मिल जाता है, ये 18-20 तक भी मिल जाते हैं सैमसंग में। सही, कम प्राइस है ये इसका। इसमें भी ये 10 प्लस है, ये भी मिल जाता है, ये तकरीबन 8 GB रैम है इसका और 256 GB मेमोरी है, ये तकरीबन भी मिल जाता है, ये 35 तक 32 तक ये भी मिल जाता है। और ये PDA अप्रूव है या पैच है? ये जेन्युइन अप्रूव होता है। अच्छा, इसमें पैच भी आता है लेकिन ये जेन्युइन अप्रूव भी इसमें आते हैं। सही, और कोई फोन है तो वो भी दिखा दें। और हमारे पास पड़ा हुआ है व्यू में भी पड़ा हुआ है, वीवो में दिखा दे। व्यू में इसका रेट पहले जो है ना रेट ऊपर बढ़ गया था, ये तकरीबन Y21 है, इसका रेट बढ़ गया था 55 हज़ार रुपये, अभी इसका रेट तकरीबन नीचे आया है, अभी मतलब ये सेकंड मिल जाते हैं 35 तक 32 तक। और क्या स्पेसिफिकेशन होती है इसके? 464 है। बैटरी? बैटरी भी इसके भी, बैटरी मेरे ख्याल में इसमें 5000 होगा इसका, 5000। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मोबाइल के बारे में बताया। तो लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप जरा अपना फोन नंबर बोल दें। अच्छा, हमारा फोन नंबर 0301-3002-338 हमारा फोन नंबर है, और दुबई प्लाजे में हमारा 11 नंबर शॉप है,
कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे, 6th फ्लोर में, दुबई प्लाजे में। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू।